इसके अलावा ना आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, समथिंग दैट आई डिड, जो हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बॉडीज़ का टॉपिक है, यूनाइटेड नेशंस होगी, आसियान है, सार्क है, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज़ का अलग से एक्सेल वर्ड डॉक या कहीं ना कहीं पे एक समराइज फॉर्म में एक जगह से इकट्ठा कर लीजिए। सिमिलरली जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लिवेबिलिटी इंडेक्स या फिर और कोई भी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन रिपोर्ट्स का एक एक्सेल बना लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, हार्ड कॉपी में लिख लीजिए, नेम ऑफ द रिपोर्ट, कौन सी बॉडी बनाती है, बायएनुअल है या एनुअल है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इंडिया का रैंकिंग वगैरह क्या चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट अगर उस टाइम पे जो भी आई हो, स्पेशली अगर कोई बायएनुअल वगैरह रिपोर्ट रहती है ना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ इट डजंट कम एवरी ईयर, ठीक है, उसमें हमारी क्या रैंकिंग रही, किस किस पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाती है, इन चीज़ों पे फोकस कर लेना। ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा चेक हो जाता है कि मतलब ऑल्दो इट इज सेड कि इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, बट ट्रस्ट मी कि नॉलेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्री की बात करते हैं तो एक छोटी छोटी साथ में डूज एंड डोंट्स भी बताती रहूंगी, आप अभी वैसे स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो आपको पर इसकी इंपॉर्टेंस ना रियलाइज हो, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, इससे ज्यादा आप रिग्रेट किसी चीज को नहीं करोगे अगर आपका एक भी क्वेश्चन इस वजह से रॉन्ग हो गया कि आपने नॉट वर्ड मिस कर दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जहां पर भी नॉट या कुछ ऐसा आ जाए इन सर्कल दैट, ठीक है, वो बिल्कुल अलग से चमकना चाहिए माइंड में कि ये नॉट है, ओनली इस तरीके के जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो पूरे क्वेश्चन की मीनिंग चेंज कर लेते हैं, ओनली द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट, ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, ध्यान से देखिए, हाँ, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री के लिए था, जिस दिन आपका प्री खत्म हो जाता है, ठीक है, उसी दिन से एक दो दिन का ब्रेक लेके थोड़ा सा अनवाइंड हुई, अब मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, भगवान ने चाहा तो आप उसी साल के मेंस में अपीयर करेंगे, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के ग्राइंड में इन्वॉल्व रहना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो मेंस की तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए, प्री और मेंस के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे टेस्ट लिख के देखिए, ठीक है, आंसर राइटिंग कितने टेस्ट लिखने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, मैंने चारों जीएस के पेपर्स के एक एक टेस्ट लिख के देखे थे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिख के देखे थे, अपने ऑप्शनल के मैंने 5 टेस्ट लिखे थे, बिकॉज आई हैड जॉइंड अ टेस्ट सीरीज, मैंने थोड़े कम ही लिखे, जनरली वो बोलते हैं कि ज्यादा लिखने चाहिए, परहैप्स आपको 8-10 टेस्ट पेपर 10-15 में से निकल जाना चाहिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, मुझे ये लगता है कि मेरी जो प्री से पहले के जो 4-5 महीने मैंने डेडिकेटेड तैयारी की थी आंसर राइटिंग की, एवरी सिंगल डे आई रोट आंसर, तो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था, टाइम मैनेजमेंट कहीं कहीं हो रहा था, मतलब दिमाग में आ रहा था कि ठीक है कुछ कुछ सही चल रहा है, तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो प्री के बाद का समय इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, कई बार कुछ एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें परहैप्स आपको उसका कुछ भी अंदाजा नहीं होगा कि वॉट टू राइट हियर, जैसे दिस ईयर ऑल्सो अफ्यू क्वेश्चन देयर, उससे पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसका बच्चों को कुछ अंदाजा नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में मतलब एकदम से सिर्फ तुक्का मार के कुछ लिख देना इज नॉट एडवाइजेबल, अगर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यूएन स्कैप का क्वेश्चन था आपकी बार पेपर नंबर 2 में, काफी बच्चों को ये नहीं आता था, पूछ रखा था कि स्कैप के कौन कौन सी कमीशन हैं, ठीक है, कंप्लीटली खाली मत छोड़ के आइए, यूनाइटेड नेशंस बॉडी का जरा सा लिख दीजिए, यूनाइटेड नेशंस इज अ बॉडी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्ला ब्ला ईयर, इट इज फॉलोइंग ऑर्गन्स, यूएन स्कैप इज वन ऑफ दोज ऑर्गन्स, इतना भी लिख देंगे ना तो क्वाइट पॉसिबल कि एग्जामिनर टिक करके एक नंबर आपको दे देगा, एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट यू नो स्कोरिंग दैट 1 मार्क एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तो कंप्लीटली मत छोड़िए, बट साथ ही तुक्का मत मारिए, बिकॉज दैट कैन बी एन इंसल्ट टू द एग्जामिनर कि एकदम आप तुक्का मार के आएंगे, अगेन कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड एनफ, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको, अभी पर कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन था, कुछ कम्युनलिज्म पे था, एंड देन द क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेड, हाउ डज द फार्मर लीड टू द लेटर, ठीक है, हाउ डज द फार्मर लीड टू कम्युनलिज्म, मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसने फार्मर को फार्मर पढ़ लिया, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ऑफ कोर्स आप टेंशन में होते हैं ऑल दैट, उसने से फार्मर पढ़ लिया, तो देखो सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सेंस चेंज हो गई, और उसने कुछ आंसर इस तरीके से लिखा कि हाउ डज द फार्मर कंट्रीब्यूट टू कम्युनलिज्म, वो उस पर कुछ फिर भी लिख के आया, तो ठीक है, हैड्स ऑफ टू हिम कि इसका भी इसने कुछ आंसर बना दिया, बट अगेन बी वेरी केयरफुल की स्टेटमेंट क्या है, कुछ आपकी बार इस तरीके से क्वेश्चन था कि शेड्यूल कास्ट वगैरह का से रिलेटेड, एस सी एस टी से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस टू यू नो एलिविएट द कंडीशन, तो उस क्वेश्चन में था टू मेजर्स लिखनी थी, मेंशन एनी टू मेजर्स, जिसने टू नहीं पढ़ा और अपना सारा ज्ञान वहाँ पे प्रकट करके आ गए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, दैट डजंट गो वेल, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इन वर्ड्स में ना ध्यान रख लेना, मेरे भी 2 क्वेश्चन में ऐसी गलती हुई थी जिससे स्टेटमेंट पूरा ही सेंस चेंज हो गया, तो बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, आपका 1 मिनट आंसर राइटिंग में कम हो जाएगा ना उससे ज्यादा कॉम्पनसेट हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ रखा है, आंसर राइटिंग की मैंने उसकी ओके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात कर ली मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट अपने सोर्सेस लिमिटेड रखिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसे आके बोल देता है अच्छा तूने ज्योग्राफी का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रखा है, तूने और नहीं पढ़ा है, तेरा नहीं निकलेगा, ऐसे नए सर से या नेगेटिव टॉक से कीप योरसेल्फ अलूफ, यू हैव गाइडेंस अवेलेबल, अपने सर से आके बात कीजिए, सर ऐसा है क्या, मैंने इतना कोर्स कर रखा है, यहाँ से कर रखा है, डू आई नीड टू कवर मोर, बच्चों कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी किताबें मार्केट से उठा लाते हैं, बट ट्रस्ट मी वो सब रिवाइज करने का ना किसी के पास टाइम नहीं होता है, और जब तक आप रिविजन नहीं करोगे तो कोई मतलब ऐसा चैम्प एक्सपर्ट नहीं पैदा होता जिसने एक बार किसी किताब की रीडिंग ले ली एंड द पर्सन कैन रिटेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स, मेरा कुछ कुछ ऐसा मंत्र था कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, स्पेशली प्री एंड मेंस से पहले मेरे हर एक किताब या फॉर दैट मैटर करंट अफेयर्स 4-4, 5-5 बार कम से कम पढ़े थे, ठीक है, 4-4, 5-5 अच्छे वाले रिविजन, और बाकी जो रहता है कि लास्ट मोमेंट पे होता है ना उस टाइम पे आप किताब को फटाफट फ्लिप कर करके जिन जिन फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स को फॉरगेट करने की टेंडेंसी रहती है, लास्ट की रिविजन थोड़ी क्विक वाली वैसे होनी चाहिए कि लास्ट के 1 वीक में जब प्री से पहले रिविजन कर रहे होंगे ना तो जो कुछ आपने स्पेशली हाईलाइट रखा हो किताब पलटी अच्छा इस पे फलानी चीज़ हाँ ये ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बिल्कुल फैक्ट्स हाईलाइट करके पहले वाली डिटेल रिविजन होनी चाहिए। मेंस में अब हम एक बात करते हैं
थोड़ा पेपर वाइज चलते हैं। पेपर वन इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वगैरह जो है अपना, तो इसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा नहीं है, तो मेनली आप बुक्स वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी डू सम स्मार्ट स्टडी, वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इज अ टॉपिक दैट कैन बी विद अ लिटिल बिट ऑफ यू नो हंच कैन बी लेफ्ट परहैप्स। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ रखा था, सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन टू पढ़ लिया था क्योंकि आउटपुट इनपुट रेशियो थोड़ा खराब है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर, इसमें बहुत ज़्यादा माथा मत मारिए, डेफिनेटली इट्स कई बार बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एक बेसिक से सोर्स से करके इट इज सो वास्ट कि पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट मत करिएगा। लिमिटेड एक अपना स्टैंडर्ड प्रिसाइज सोर्स चूज किया, वहां से किया खत्म। बाकी करंट अफेयर्स का थोड़ा ध्यान रखना कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या चल रहे हैं। कमिंग टू पेपर टू, वेरी वेरी डायनामिक। स्टैंडर्ड तो आपको बताइए हमारी लक्ष्मीकांत वगैरह है, पर ये इतना डायनामिक है कि यू नो इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन सी कंट्री के साथ क्या चल रहा है, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं लेटेस्ट, लॉ कमीशन ने क्या प्रपोज किया है, सो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाने तो कंपाइलेशन जो आते हैं आपके इंस्टीट्यूट दे रही होगी या वेबसाइट्स दे रही है वहां से रिवाइज करिए, लेकिन करंट अफेयर्स को लिंक करते जाइए स्टैटिक पोर्शन के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक अलग से एक्सेल वगैरह बना सकते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह को, फॉर एग्जांपल हमारा स्पेंड ऑन हेल्थ क्या है, हमारा स्पेंड ऑन एजुकेशन क्या है, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो आपको टिप्स पे रहनी चाहिए। पेपर नंबर थ्री, अगेन डायनामिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो भी नए बिल्स आ रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई चाइना से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी नया चल रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में से। जब भी आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसे पढ़िए मत, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। द मोमेंट जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल क्रॉप आपके सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए जीएम क्रॉप है क्या। ठीक है, वर्ड देखते ही उसके मीनिंग में जाने की कोशिश कीजिए, बिल्स वगैरह जो आ रहे हैं उन्हें लर्न कीजिए। कमिंग टू पेपर नंबर फोर, वन ऑफ द निगलेक्टेड एंड इग्नोर पेपर्स, लोग थोड़ा सा इसे लाइटली ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी मतलब दिस पेपर ऑल्सो डज रिक्वायर प्रिपरेशन। इसका भी बहुत डायनामिक है, पिछले से पिछले साल थिंकर्स वगैरह बहुत पूछ लिए थे जॉन रॉल्स एंड दिस एंड दैट, हमारे वाले में 2017 वाले में उन्होंने मोस्ट अपना फोकस रखा टर्म्स वगैरह पे और सिचुएशंस पे। ठीक है, थिंकर्स वगैरह कुछ नहीं आया, अगेन वेरी डायनामिक, यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट और इग्नोर वन एस्पेक्ट एंड फोकस ओनली ऑन द रिमेनिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक चूज करके उसमें से सारी टर्म्स की डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिख लीजिए अपने पास एक जगह, छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए, एंड हर एक चीज के ना अपने माइंड में एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल याद करके रख लीजिए। आई हैव वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बना रखे थे। एक सिंपल से एग्जाम्पल दूं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन द ऑफिस एंड माय बॉस टेल्स मी कि यू आर सपोज्ड टू साइन ऑन दीज फाइनेंशियल, जिसमें थोड़ी सी फजिंग की गई है फाइनेंशियल की। ठीक है, सो हैज मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मेरी जॉब बोलती है कि तुम्हें सही काम करना चाहिए, मेरा मॉरल बोलता है कि तुम्हें साइन नहीं करने चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड मतलब बॉस की तरफ से जो आ रहा है तो माई लॉयल्टी टुवर्ड्स द बॉस परहैप्स और द फैक्ट दैट ही कैन रूइन माई करियर टेल्स मी कि तुम्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर होने की वजह से साइन कर देनी चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, स्पेशली ने थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना, ठीक है, एग्जाम्पल्स को एग्जामिनर लाइक सेट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को चीटिंग करानी है, ठीक है, स्कूल वगैरह में सबके साथ होता होगा, दिखा दे थोड़ा सा, या तुम कहते होगे दिखा दे, तो उसे ना माइंड में रखिए कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। एक तरफ अगर तुम दिखा देते हो तो यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन जब तुम उसकी दिखा रहे हो, उसको अपना पेपर दिखा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट कि तुम मत करो तैयारी, बिना तैयारी की भी चीज़ें निकल जाती हैं। सो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तरफ से ये हेल्प करने का एग्जाम्पल है कि यू आर हेल्पिंग समबडी, तो उस तरीके से देखें तो इट्स अ राइट एक्ट, बट दूसरे तरीके से देखें मॉरली इज इट राइट, आपके मतलब कॉन्शियंस के साथ जेल वेल कर रहा है, इन दैट सेंस इट इज रॉन्ग। तो एक एक्शन को जज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाला प्रिंसिपल है या कई सारे आप पढ़ेंगे, तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स थोड़ा सा याद रखिए, अपनी लाइफ को एनालाइज। एक एक्शन को जज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाला प्रिंसिपल है या कई सारे आप पढ़ेंगे, तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स थोड़ा सा याद रखिए, अपनी लाइफ को एनालाइज करके अपनी लाइफ में क्या अच्छे काम कर रखे हैं, क्या बुरे कर रखे हैं, उनका मतलब आई डिड दिस, आई जॉटेड डाउन ऑल दोस सो दैट आई कुड यूज देम एज एग्जांपल्स इन माय पेपर, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प मी बिकॉज मैंने ऐसे एग्जांपल्स यूज किए थे। इस पेपर को इग्नोर मत कीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह जरूर रखिएगा, कोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, ये चार तो मतलब हमारे ऐसे हैं, इनकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंपल सिंपल सी थॉट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जरूर कर लीजिएगा, वुमेन कैरेक्टर, नेशन बिल्डिंग, यू नो एनिमल राइट्स, दिस एंड दैट, एंड गांधी जी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, गांधी जी की तो मतलब किसी भी टॉपिक पे कोई भी थॉट है ना, तो मतलब चाहे उनका वो टैलिसमैन है, आई गिव यू अ टैलिसमैन टुडे, दिस एंड दैट, वो लर्न कर लीजिएगा, यू कैन कोट इट एनीवेयर, नॉट ओनली इन जीएस एंड जीएस 4 एंड एसए बट आल्सो इन अदर पेपर्स। मैंने यूज किया था जीएस 1-2-3 में भी जहां पॉसिबिलिटी होती थी, आई यूज्ड कोट्स। ओके, सो जीएस 4 एज आई टोल्ड यू, प्लीज डोंट इग्नोर दिस पेपर, इट्स इंपॉर्टेंट। कमिंग टू एसए, एसए में मतलब दो तीन छोटे छोटे माय बिट्स ऑफ एडवाइसेस टू यू, एक तो करंट अफेयर्स को जो है रिलेट करिएगा, करंट अफेयर्स में से स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल के, किसी की कोई अच्छी स्टेटमेंट आई है, जो अच्छी अच्छी स्टेटमेंट होती है ना, समटाइम्स एकदम से स्ट्राइक करती है माइंड में, उनका कहीं भी ना लिख के थोड़ा सा वो बना लेना कंपाइलेशन, आई डिड दैट। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट डेस्टिनी बट ओनली एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, छोटी सी लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज कन्वे करती है कि कुछ करोगे तो तुम अपने डेमोग्राफी का एडवांटेज रीप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि बस आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू बी एट द टॉप स्लॉट, उसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिमिलरली वुमेन से रिलेटेड वही लाइन है कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ द ह्यूमैनिटी एंड इफ दिस हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हाउ कैन अ नेशन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी सी लाइन है, बिल्कुल माइंड में याद रखना था कि कहीं पर भी आ जाए तो इमीडिएटली लिख सकें। ओके, ऐसे
को आप दो तीन स्केल्स पे बिल्ड कर सकते हो, मेरा यही अप्रोच था। पहली बात तो ऐसे की प्रैक्टिस करना, डू इंश्योर कि आपने कम से कम 10-15 ऐसे लिख रखे हो बिफोर यू सिट इन द एग्जाम। ऐसे लिखने से पहले डायरेक्टली कभी लिखना स्टार्ट मत कर देना, थोड़ा सा 15-20 मिनट दिया करो कि आप उसका प्रोफॉर्मा तैयार कर लो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ऐसे का। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कोट के साथ स्टार्ट करूंगा, मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं फ्लॉज डिस्कस करूंगी, मैं बेनिफिट्स डिस्कस करूंगी, मैं सॉल्यूशंस प्रपोज करूंगी। स्ट्रक्चर बनाने में गिव गुड 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स निकल जाए तो नो वरीज, बट वहां से आपका पूरा स्ट्रक्चर आता है, डिवोट गुड टाइम टू दैट। उसके बाद अपने ऐसे को ना आप एक तो टेम्पोरल स्केल पे बिल्ड कर सकते हो, विच मीन समथिंग लाइक एंशियंट टाइम्स में ऐसे होता था, मिडिवल टाइम्स में ऐसा होता था, मॉडर्न टाइम्स में ऐसा होता था, दो तीन पैराग्राफ आपके इसमें निकल जाएंगे। इंडिया का कंपैरिजन टू द वर्ल्ड दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टैटिस्टिक या गुड यू नो पैरामीटर, इस पे भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, चाहे वो वेमेन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, किसी का भी, इंडिया का कंपैरिजन विद यू नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज रहती है ऐसे में, एक्सप्लोर मल्टीपल डिमेंशंस, वो जो होते हैं ना हमारे जीएस के पेपर्स में भी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, क्लाइमेट, कल्चर, दिस एंड दैट, रिलीजन, उन सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आप अपने एसे में यूज कीजिए। एक पैराग्राफ से जब अगले पैराग्राफ पे आप ट्रांजिशन करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन कंटिन्यूटी और फ्लो बिटवीन द टू पैराग्राफ्स, ठीक है। इस चीज को अगर आपने अभी, क्योंकि ऑफकोर्स आपने एसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बट जब भी आप करोगे 2-3 months डाउन द लाइन, तो बेयर इन माइंड मेरी वाली बात जरूर ध्यान रखना, एक ऐसे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाते टाइम यू नो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कनेक्टर्स, हैविंग, आपने सपोज सोशल पार्ट डिस्कस कर लिया, सोशल इंप्लीकेशन, इकोनॉमिक वाले पे आ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से लिखो, हैविंग एक्सप्लोर द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ ब्लाह ब्लाह इशू, लेट अस मूव ऑन टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये ना कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, एकदम ये नहीं लगता सोशल डिस्कस कर रहा था, अच्छा अब बंदा इकोनॉमिक पे आ गया, थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक सिंगल लाइनर, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स, नॉट ओनली द सोशल इंप्लीकेशंस, देयर आर आल्सो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ ब्लाह ब्लाह टॉपिक, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं बट कंटिन्यूटी रखती हैं। ऐसे में डायग्राम्स अवॉइड करिएगा, कुछ लोग आजकल हेडिंग भी लिखते हैं, ऐसे हेडिंग्स के साथ लिखते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ऐसे लोगों को भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। आई पर्सनली अवॉइडेड राइटिंग हेडिंग्स, रादर मैं डबल अंडरलाइन जरूर कर देती थी, जब मेरे एक नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है और उसमें जो जो पैराग्राफ का क्रक्स है कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, उसे थोड़ा मैं डबल अंडरलाइन कर देती थी, बट ऐसा शेडिंग नहीं करी। डायग्राम्स वगैरह मत बनाइएगा। ऐसे स्टार्ट करने का और एंड करने का दो तरीके होते हैं, कई होते होंगे बट आई थिंक जो मुझे लगता है कि अच्छी है, एक तो आप किसी ना किसी कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट्स को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, संस्कृत के भी कोर्ट्स यूज कर सकते हैं। मैंने अपना एजुकेशन कैसे ऐसे स्टार्ट किया था, इंग्लिश में लिखा था कि नॉलेज इज दैट लिबरेट्स, बट उससे पहले हिंदी में लिखा था या विद्या सा विमुक्ति, सो दैट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ माई एसे। संस्कृत की भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा था कि नॉलेज इज दैट लिबरेट्स, बट उससे पहले हिंदी में लिखा था या विद्या सा विमुक्ति, सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय एसे। संस्कृत की भी लिख सकते हैं, जो लिपि होती है वो इंग्लिश वाली होनी चाहिए, लिपि यू अंडरस्टैंड, इंग्लिश में लिखना वाई ए या वी आई डी वाई ए विद्या, इस तरीके से। उसके बाद यू नो सेकंड इंपॉर्टेंट वे टू स्टार्ट एन एसे, यू कैन स्टार्ट विद एनेक्डोट्स, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के देखना, एक चैप्टर की ज्योग्राफी की है, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह कुछ टॉपिक है, उन्होंने ब्यूटीफुल स्टार्टिंग रखी ना एनसीईआरटी की बुक ने, वो बोलते हैं कि एबीसी फॉर एग्जांपल सीमा इज 40 इयर्स ओल्ड एंड शी हैज कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी सीज दैट ऑन द वन हैंड देयर आर टॉल स्काईस्क्रेपर्स एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर स्लम्स, सो शी इज नाउ लेफ्ट वंडरिंग वेदर डेवलपमेंट लीड्स टू इनइक्वालिटी, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल सा सिंपल सा इंसिडेंट लेके उन्होंने कितनी प्यारी सी अपना एक स्टोरी बना दिया, बिगनिंग बना दी है। ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स अपने माइंड में याद करके, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, क्लाइमेट, वुमेन, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कुछ कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सब जो है ना, इन सभी के पहले ही बना के रख लेना, डायरेक्टली पेपर में जाके इन्वेंट मत करना, घर से बना के जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे कोर्ट्स, ऐसा ऐसे आ गया तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, इसका एंड कहाँ पे करूंगा। और कुछ कुछ हमारी जनरल कोर्ट्स होती हैं, जैसे उनकी वो एक लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, कि वेर द वर्ल्ड इज हेल्ड, वेर द हेड इज हेल्ड हाई एंड द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसे करके, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, उसमें मतलब इतनी पॉजिटिव टोन है ना, उनकी वो एक लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, वेयर द वर्ल्ड इज हेल्ड, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसे करके, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, उसमें मतलब इतनी पॉजिटिव टोन है ना, कि उसमें है कि इनटू दैट कंट्री ऑफ हेवन ओ माय लॉर्ड, इनटू दैट हेवन ओ माय लॉर्ड लेट माय कंट्री अवेक, कि भगवान मतलब मेरे देश को ऐसे हेवन बना दो, इस तरीके से। ये जनरल सी स्टेटमेंट है, आप अपने ऐसे को एंड कर रहे हैं तो आप ऐसे ब्यूटीफुल सी कोट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अपने टॉपिक डिस्कस किया, आपने खूब सॉल्यूशंस दिए हैं, ऐसा ऐसा करने से क्लाइमेट चेंज भी ठीक हो जाएगा, वुमेन का वो ठीक हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ब्लाह ब्लाह, एंड देन यू कैन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि नाउ एंडिंग द एसे विद यू नो द लाइंस फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, एंड यू कैन राइट द दिस थिंग कंक्लूजन। तो दिस वॉज अबाउट एसे। थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको मेंस में आपका आंसर एनरिच करने के लिए जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह याद रखिए, जैसे मैं बता रही थी, अपना रैंकिंग ऑन वेरियस रिपोर्ट्स, अपना स्पेंड ऑन वेरियस थिंग्स। दूसरा, आप कमेटीज़ वगैरह के नाम जरूर याद रखिए, किस इशू पे कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशंस खुद प्रपोज कर रहे हैं ना, दैट कैरीज लेसर वेट एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड बाय एन एक्सपर्ट पैनल। सो कमेटीज़ वगैरह के नेम्स आप याद रखिए। तीसरा, कोर्ट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, एथिक्स में तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बाकी में भी अगर लग जाए तो कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इज द मोस्ट ऑफन रिपीटेड फॉर्मेट, यू शुड ट्राई टू स्टिक टू दैट, बट लेट मी एम्फसाइज, पेपर में टाइम इतना कम होता है कि 20 के 20 क्वेश्चंस में आप परहैप्स ये फॉर्मेट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डोंट वरी, इट हैपेंस टू एवरीबडी, कोई भी 20 के 20 क्वेश्चन सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं लिख के आता है, तो आपके शुरुआत वाले परहैप्स बहुत अच्छे होंगे, लास्ट वाले में थोड़ी क्वालिटी डिटीरियरेट हो जाएगी, लेट दैट हैपन, बट एनश्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर। अगर आपके पास दो चॉइस है ना, कि आप 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हैं वर्सेस 20 क्वेश्चन एवरेज अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग इट, प्लीज फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर पेपर, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। पेपर को कंप्लीट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख लीजिएगा।
या सो दैट वाज अबाउट इंटरचेंज योर आंसर्स कोड्स एंड ऑल. नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, देखिए इट इज मतलब ऑफन सेड कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड नॉट योर नॉलेज. वाकई पर्सनालिटी की तो टेस्टिंग होती ही है, तो उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. बी वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है. आपसे अगर इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा गया है नेगेटिव सा, कि वो बहुत बार ना नेगेटिव टोन पे जानबूझ के स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज. फॉर एग्जांपल आई वाज आस्क्ड आई हैव एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे मैम ने बोला था कि इंश्योरर जो है हमारा IRDA इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, IRDA स्लीपिंग नाउ, देर आर सो मेनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, इट इज स्लीपिंग. तो वो एक बेट होता है, ठीक है, उस बेट को बाइट मत करो कि आप भी लग जाओ हाँ हाँ कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल खराब हो रहा है. सो दैट्स अ बेट एंड यू हैव टू टर्न इट अराउंड. सो यू नो गिव अ पॉजिटिव सा रिप्लाई कि यस मैम डेफिनेटली देर आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, बट देर इज अनदर फेसेट टू इट, वी आर अ नेसेंट कंट्री, हमारी कंट्री भी डेवलप कर रही है एंड IRDA इज कमिंग अप विद रेगुलेशन, सो इट हैज टेकन ब्लाह 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 स्टेप्स इन द पास्ट एंड दीज स्टेप्स आर ऑन द इन विल, दे आर बीइंग प्रपोज्ड, ठीक है. तो पॉजिटिव ट्विस्ट देना चीजों को बहुत जरूरी है, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब सिर्फ आपको वहां दिखाना है, ट्रस्ट मी लाइफ में हर फेज में इट इज इंपॉर्टेंट. भाई हर जगह बुराइयां या कुछ ना कुछ कमी होगा ना, हर जगह होगा, हमारी खुद की पर्सनालिटी में भी होगा, हमारे आसपास है, बट लेट अस लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स. नेगेटिव चीजों को तब नोटिस करना है जब हमें उन्हें खत्म करके कुछ सॉल्यूशन प्रपोज करना है, इसलिए हमें नेगेटिव पे फोकस रखना है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ये कहते हैं इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो इतना करप्शन है, ये है वो है, वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए नॉर्मल अपनी लाइफ में भी एंड ऑफकोर्स इंटरव्यू में. तो डेफिनेटली इंटरव्यू में एंटर करें, बी वेरी वेरी पॉजिटिव. जब आप इंटरव्यू में बच्चों घुसोगे ना, तो यू नो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कि यू नो मैक्सिमम ऑफ यू और रादर ऑल ऑफ यू की अपीयर इन द इंटरव्यू. उस टाइम पे बिल्कुल ये फीलिंग लेके घुसो, आई एम द ओनली वन हु डिजर्व्स टू बी हियर, ओके, फॉरगेट अबाउट एवरीवन एल्स हु इज सिटिंग अराउंड यू. लास्ट मोमेंट्स पे स्पेशली चाहे प्री हो मेंस हो इंटरव्यू हो, बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, ठीक है. मोस्ट पॉजिटिव या मोस्ट आपके लिए हेल्पफुल कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपका भाई बहन, देन नेक्स्ट कम फ्रेंड्स. यू नो आई विश यू ऑल द लक, यू फाइंड रियली गुड फ्रेंड्स हु ऑलवेज मोटिवेट यू टू डू योर बेस्ट, बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय नेसेयर्स, ठीक है. मैं एक छोटा सा आई थिंक आई एम क्रॉसिंग लिमिट सर, इज इट ऑलरेडी 5 मिनट्स. मैं एक एग्जाम्पल आपको स्पेशली देना चाहूंगी बच्चों, जब मेंस का पेपर था ये वाला, उसे एक महीने पहले की बात है, मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन वगैरह किया था, तो मुझे काफी सारी चीज़ों में कई चीज़ों में डाउट्स वगैरह होते थे और मेरे पास रिजॉल्व कराने के लिए कोई था नहीं. तो मैंने जब यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैं दिल्ली में आई थी, तो वहाँ पे एक पीजी में एक लड़की मिली एंड शी टोल्ड मी कि दीदी आपके डाउट्स हैं ना, आप एक बार जॉट डाउन कर लेना, मैं अपने सर से बात करूंगी, शी वाज इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड वो काफी हेल्पफुल है, ही वुड हेल्प यू आउट. वो मुझे उनके पास लेके गई, मैंने वहाँ जाके उनसे पॉलिटी वगैरह स्पेशली थोड़ी सी टफ रहती है, तो मैंने उनसे ना कुछ शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो वो उन्होंने छूटने मुझे बोला शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 स्टेट्स के नाम बताओ. 6 वाली तो मुझे ध्यान थी, मैंने बता दी, शेड्यूल 5 वाली मुझे सारी स्टेट्स के नाम याद नहीं थे, एंड दिस हैपेंड 1 मंथ बिफोर द मेंस. तो दैट पर्सन रिप्लाइड कि तुम्हारा अभी वो लेवल नहीं हुआ है कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, एंड देन ही इवन वेंट ऑन टू से कि आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारा बच्चा तो सुपर इंटेलिजेंट है, बिठा दो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा दिस एंड दैट. तो मतलब उन्होंने बहुत ही नेगेटिव चीजें कही थी, मतलब आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड दैट डे. इट वाज ओनली अ मंथ टू गो फॉर मेंस एंड आई थॉट कि हियर इज माय असेसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द लाइक टॉप इंस्टीट्यूट ओनर्स एंड ही थिंक दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ इवन पुटिंग क्वेश्चंस, ओके. तो उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी, रोई ज्यादा थी और पढ़ी तो मतलब किताब सामने थी पर मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, एंड मैंने अपने भाई को भी कॉल किया था, टोल्ड हिम कि ऐसा हुआ है और ये तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, तो ये सर कि मतलब डोंट वरी अबाउट सच पीपल, मुझे पता है मेरी बहन निकल जाएगी तो तैयारी करती रहे अपनी, ठीक है. उस दिन मैं पढ़ी नहीं बट नेक्स्ट डे मैं वो अपना तो आई थॉट कि चलो उस चीज़ के भी मैंने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनालाइज किए. पॉजिटिव ये था कि मैंने ये एनालाइज किया कि तुम्हारी प्रिपरेशन अभी पर है, सब तो दिमाग नहीं है, तुम्हें शेड्यूल 5 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई रिवीजन जरूरी है. दूसरा नेगेटिव पार्ट फिर मैंने ये सोचा कि मैं इन्हीं की कहीं पे अगर रह जाती हूँ, अपने आपको डिमोरलाइज कर लेती हूँ, तो कुछ हो ही नहीं सकता है, देन आई एम गॉन. द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द पार्ट्स वेयर आई परहैप्स लैग बिहाइंड. तो मैं उनकी कई बात को कंप्लीटली भूल गई, जो मेरे भाई ने कहा था मेरी बहन तो तू तो कर जाएगी, तू ये है तू वो है, उसने बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली थी. आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट, जो मेरा भाई बोल रहा है वो ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वो नहीं. हाँ, उस चीज़ से मैंने ये जरूर सीख ले ली कि दीज आर द एरियाज वेयर यू लैग बिहाइंड एंड यू परहैप्स नीड टू डू मोर रिवीजन. तो बच्चों आपकी भी लाइफ में अगर ऐसे नई सेयर्स आए, ऐसे लोग आए जो परहैप्स वो ट्राई टू डिमोरलाइज यू, तो उसमें से थोड़ी सीख जरूर ले लेना कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो ट्राई वर्किंग ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, ठीक है. इट इज लाइफ. 10 चीज़ें आपको बताऊंगी, आपके फ्रेंड को नहीं बताऊंगी. अगर आपका फ्रेंड वो वाले क्वेश्चंस पूछ ले जो उसे आते हैं आपको नहीं आते, तो मतलब उसमें ये मत हो जाना कि वो इसे ही सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. परहैप्स ट्राई वर्किंग ऑन दैट, बट डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, ठीक है. लाइफ में कोई भी मतलब इतना चांप तो हो नहीं सकता कि हर किसी को सब कुछ आता हो. खासकर प्री से पहले पेपर के बाहर खड़े हो, मेन से पहले पेपर के बाहर खड़े हो, तो ज़्यादा बच्चों से बात मत करना, ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे किसी ने कोई ऐसी चीज़ बोल दी ना कि तुझे पता है ऐसा है कुछ है, तो तुम्हारे माइंड में एकदम जाएगा, ओ गॉड इसे तो ये भी आता है, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो ध्यान ही नहीं है ये. तो लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा अपने आपको जज करने की कोई जरूरत नहीं है. थिंक दैट यू आर द ओनली वन हु डिजर्व्स टू बी हियर एंड यू हैव अर्नड दिस. जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो रिमेंबर यू हैव अर्नड दिस, तुमने बहुत मेहनत की है, दैट इज वाई यू आर रीचिंग दैट स्टेज. बी वेरी वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वेरी स्ट्रेनुअस वन, सो रिलाई ऑन योर वेल विशर्स, ऑन योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड यू नो बी वेरी वेरी हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक होगा तुम्हारा, डोंट वाइल अवे योर टाइम. सोशल मीडिया का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, व्हाट्सएप वगैरह ना बच्चों, मतलब सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में रहना जहाँ से कुछ काम की चीज़ हो सके, ठीक है. बाकी जो फैमिली वाले ग्रुप्स होते हैं जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के आते हैं डेली, संस्कारी वाले ग्रुप्स को थोड़ा एग्जिट मार देना, दे आर ओनली अ डिस्ट्रैक्शन. लोगों के स्टेटस हर टाइम देखना थोड़ा छोड़ देना, वरना जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो इस टाइम मस्ती मार रहे होंगे, फॉरन घूम रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, उसे देखिए तुम्हारे मन में ही आएगा लुक व्हाट दे डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग. तो थोड़ा सा यू नो बी वेरी पॉजिटिव, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आएगा. सोशल मीडिया वगैरह का ध्यान से इस्तेमाल करना, पॉजिटिव रहना, वॉट एल्स, टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक ऑन दिस नोट आई वुड वॉन्ट टू एंड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.